अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स का आज लेक्चर नंबर 8 है। माशाल्लाह से आपने बड़ी अच्छे और कामयाबी के साथ प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स का सफ़र अभी तक जारी रखा हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि मेरी अपनी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है। इसके अलावा मैं आप लोगों को आज के लेक्चर में कुछ यूज़फुल ट्रेडिंग टिप्स भी शेयर करूंगा और साथ ही साथ आपको रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से भी गाइड करूंगा। मुझे यकीन है कि अब तक आपने जो 7 लेक्चर्स देखे और उन पे अच्छे से प्रैक्टिस की, उसके बाद आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो बहुत हाई होगा और आप लोग बड़े पुर उम्मीद होंगे अपने फ्यूचर को लेके कि यकीनन अब आप एक कामयाबी का सफ़र शुरू कर सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूं आज के लेक्चर को। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि मेरी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है। मेरी 3 स्टेप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जिसको मैंने कभी कभी अपने YouTube चैनल पर भी मैं आप लोगों के साथ ये शेयर किया करता हूं। सबसे पहला स्टेप मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का ये होता है कि जब भी कभी मैं अपने ट्रेडिंग डे का आगाज़ करता हूँ, तो मैं अपने लिए ट्रेंड फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। स्टेप नंबर 1, फाइंड ट्रेंड। व्हाट इज द ट्रेंड टुडे, आज ट्रेंड है क्या, मुझे बाय लेनी है कि सेल लेनी है। स्टेप नंबर 2, तो ट्रेंड के अकॉर्डिंगली मैं अपने लिए फिर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स फाइंड करता हूँ। ठीक है, और ये 2 स्टेप जैसे ही कंप्लीट होते हैं, तो फिर जो तीसरा स्टेप है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब आपने ये 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए, तो आपने बिल्कुल भी रश नहीं करना यार, वेट करना है, प्राइस को चेज नहीं करना, प्राइस को अपने एंट्री जोन तक आने देना। क्योंकि जब आप कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स निकालते हैं, तो वहां पर आप अपने लिए एंट्री जोन्स बना लेते हैं। प्राइस को अपने एंट्री जोन तक आने का इंतजार करें, और जब प्राइस आपके एंट्री जोन में आए, वहां पर आपको किसी किस्म की कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या चार्ट पैटर्न जो हमने पढ़ा है कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनमें से कोई एक चीज अगर आपको प्राइस वहां पर दिखाती है, प्राइस अपने बिहेवियर को वहां पर शो करती है, तो आप अपने लिए ट्रेडिंग एंट्री को प्लान कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, देखें, कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से हम अक्सर क्या करते हैं कि हमारे जोन में जब प्राइस आ जाती है और हमें वहां पर कोई एंट्री रीजन दे भी देती है, और अगर उसी एंट्री रीजन ने हमें प्रीवियसली स्टॉप लॉस हमारा हिट किया था और अभी वही एंट्री रीजन हमारे सामने दोबारा आ गई, तो हम शेकी हो जाते हैं, हम वहां पर एंट्री नहीं लेते। डोंट थिंक टू मच यार, बिल्कुल भी नहीं सोचना। आपको अगर आपकी एंट्री रीजन ने हम सपोज कर लेते हैं कि आपको एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मिली है, लास्ट टाइम बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मिली थी, आपने ट्रेड ली थी, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया था। अब बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मिल रही है तो आप ट्रेड ही नहीं ले रहे, नहीं सोचना यार, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 100% नहीं होती है भाई, तो ये जरूरी नहीं है। आप लोगों ने बस सोचना नहीं है, सेटअप मिला ट्रेड एंट्री ले लेनी है, बाकी आपकी किस्मत है, वो अल्लाह ताला पे छोड़ दें कि अगर अल्लाह ने आपके नसीब में वहां पर कोई प्रॉफिट लिखा है तो वो आपको जरूर मिलेगा। ट्रेडिंग सेटअप मिला, ट्रेडिंग रीजन मिली, एंट्री ले लें यार, दैट्स इट। तो ये मेरी पर्सनल 3 स्टेप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, आप यकीन करें बहुत एक्सीलेंट काम करती है। अब ये 3 स्टेप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है, वो 2 डिफरेंट किस्म के लोगों के लिए 2 डिफरेंट किस्म के सेटअप प्रोवाइड करती है। अगर आप एक डे ट्रेडर हैं, आप ये कहते हैं कि यार मेरे पास बहुत टाइम है, मैं डेली चार्ट के सामने बैठ सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे और कोई काम ही नहीं है ज़िंदगी में, और मैं डेली तौर पे ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम को एज ए हायर टाइम फ्रेम, एज ए स्ट्रक्चर टाइम फ्रेम, वो टाइम फ्रेम जिसमें आप अपना ट्रेंड भी निकालेंगे, अपने लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स भी बनाएंगे, वो टाइम फ्रेम आपका 15 मिनट टाइम फ्रेम होगा। ठीक है,
15 मिनट टाइम फ्रेम में आप अपने लिए ट्रेंड भी निकालेंगे, अपने लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स भी निकालेंगे, अपने लिए एंट्री जोन्स भी 15 मिनट में बनाएंगे, और जब प्राइस आपके एंट्री जोन में आएगी तो आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में ड्रॉप ले लेंगे। ठीक है, 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाके हमने जो एंट्री रीजंस पिछले लेक्चर में पढ़ी हैं उनमें से कोई भी एक एंट्री रीजन अगर आपको मिल जाती है तो आप अपने लिए वहां से बाय या सेल ट्रेड प्लान कर लेंगे। ये उन लोगों के लिए है जो डेली बेसिस पे ट्रेड करना चाहते हैं, वो 15 मिनट से ज्यादा ऊंचे टाइम फ्रेम में उनको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में जाकर आप ज्यादा से ज्यादा ये देख सकते हैं कि सपोज करते हैं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड अप चल रहा है, ठीक है, लेकिन क्या पता कि 4H टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड जो है वो डाउन हो और उसके अंदर 15 मिनट में ये अप ट्रेंड बन रहा हो ये वाला। तो आपको ये पता होना चाहिए 4H टाइम फ्रेम में जाकर आप ज्यादा से ज्यादा ये देख सकते हैं कि प्राइस के पास ऊपर जाने का कितना रूम अवेलेबल है। अगर मैं यहां से कोई बाय प्लान करता हूं इस जगह से तो मेरे पास मजीद ऊपर जाने का कितना रूम अवेलेबल है। तो 4H टाइम फ्रेम में आप सिर्फ इतना जाकर देख लिया करें कि जो करंट अप ट्रेंड है 15 मिनट टाइम फ्रेम का उसमें मजीद ऊपर कितना जाने की ताकत है हायर टाइम फ्रेम के मुताबिक। तो डे ट्रेडर का जो हायर टाइम फ्रेम है HTF जो है वो 15 मिनट है, ठीक है, और एंट्री टाइम फ्रेम जो है वो 1 मिनट है। इसी तरह से अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं, आप जॉब करते हैं या आपकी और भी कुछ मसरूफियात हैं, आप कहते हैं मैं सारा सारा दिन चार्ट को नहीं दे सकता, तो उस सूरत हाल में आपका जो ट्रेंड टाइम फ्रेम है यानी जिस टाइम फ्रेम में आपने ट्रेंड निकालना है और जिस टाइम फ्रेम में आपने अपने लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स निकालने हैं वो टाइम फ्रेम आपका 4H टाइम फ्रेम होगा। ठीक है, और जब प्राइस आपके 4H टाइम फ्रेम में जब प्राइस आपके एंट्री जोन पर जैसे ही टच करती है आप इमीडिएटली 15 मिनट टाइम फ्रेम में ड्रॉप ले लेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम जो है वो आपका एंट्री टाइम फ्रेम है बीइंग ए स्विंग ट्रेडर। ठीक है, 15 मिनट में फिर आपने उन्हीं एंट्री रीजंस में से कोई एक एंट्री रीजन अपने लिए फाइंड करनी है और जब वो आपको मिले तो बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, अपनी ट्रेड में छलांग लगा देनी है। ठीक है, तो दो ट्रेडिंग सेटअप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, डे ट्रेडर के लिए 15 मिनट हायर टाइम फ्रेम होगा, 1 मिनट लोअर टाइम फ्रेम होगा, और जो स्विंग ट्रेडर है उसके लिए 4H टाइम फ्रेम जो है वो हायर टाइम फ्रेम होगा और 15 मिनट उसके लिए जो है एंट्री टाइम फ्रेम होगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों के साथ कुछ यूजफुल टिप्स ड्यूरिंग ट्रेडिंग जो आपको बहुत हेल्प देंगी, कुछ यूजफुल टिप्स मैं आप लोगों के साथ जो मेरी नज़र में बहुत इम्पॉर्टेंट थी इसलिए मैंने अपनी ये अमेज़ॉन पे जो मेरी बुक पड़ी हुई है मैंने उसमें भी ये टिप्स जो हैं वो लिखी हुई हैं, ये मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट थी, बारी बारी हम इनको डिस्कस करते हैं। डोंट चेंज योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऑफन। एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो आपने अपने लिए मखसूस कर ली है उसके ऊपर स्टिक रहें यार, बार बार उसे चेंज ना करें। भले 5 ट्रेड्स 6 ट्रेड्स 10 ट्रेड्स इन अ रो आपकी लॉस में चली गई हैं तब भी आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को शिफ्ट ना करें, कंसिस्टेंट रहें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ। उस वक्त तक अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को तब्दील करने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें जब तक कम अज कम 100 ट्रेड्स आप उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे ना लगा चुके हों। ठीक है, अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 50% से ज्यादा विनिंग ट्रेड्स देती है आपको और 50% लूज आपकी ट्रेड लॉस दे देती है आपको, तो आपकी यकीन करें आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, उसको फाइन ट्यून किया जा सकता है। अगर 50% से कम आपका विनिंग रेट है फिर आपको इस बारे में सोचने की जरूरत है कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है वो एक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि स्टडीज ये बताती हैं कि जो 55% से लेके 70% तक अगर आपकी
ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की जो विनिंग परसेंटेज है वो 55 से 70% तक है, तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एक आउटस्टैंडिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, यकीन करें। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अक्सर आप लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, स्टॉप लॉस इज योर फ्रेंड, कीप इट क्लोज। छोटा स्टॉप लॉस लगाना है और अपने स्टॉप लॉस के साथ आपने हमेशा स्टिक रहना है। ऐसा नहीं होता कि आपने कहीं से कोई बाय ट्रेड लगाई, आपका स्टॉप लॉस ये था, मार्केट थोड़ी देर के लिए नीचे आना शुरू हुई तो आप अपने एनालिसिस पे भरोसा करते हैं कि नहीं यार इसने आखिरकार ऊपर चले जाना, आपने स्टॉप लॉस को और नीचे कर दिया और नीचे कर दिया और नीचे कर दिया। ऐसा नहीं करना, गलती हो गई है, इमीडिएटली एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड टेक स्टॉप लॉस। यार सेव योर इक्विटी, अपनी इक्विटी को बचाएं, अपने कैपिटल को बचाएं। कैपिटल बचेगा तो ये जो गलती आपसे हुई है इसको आप अगली दफा रेक्टिफाई कर सकते हैं। एक ही ट्रेड में अगर आप $300 लूज कर जाएंगे, $500 आपकी इक्विटी है, तो यार कैसे फ्यूचर बनाएंगे अपना। अगर $20 का $30 का लॉस हो रहा है, ले लो भाई $470 तो बचा लो। आप एक ही ट्रेड में $100 सिर्फ ये सोचते हुए कि ये जाएगी बस जी, वो न्यूज अच्छी आ गई है या पता नहीं क्या हो गया है तो इसने ऊपर जाना ही जाना है, मैं स्टॉप लॉस और नीचे कर लेता हूं। कभी नहीं करना, कभी भी नहीं करना, ठीक है। और बीइंग ए बिगिनर ट्रेडर, आपको जो ट्रेड्स लगानी है वो 1 to 1.4 या 1 to 1.5 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो से आपने ट्रेड लगानी है। आप यकीन करें, ये पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको कह रहा हूं कि पूरी अपनी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के बाद मैं आप लोगों को ये बात कह रहा हूं कि आप यकीन करें कि ये जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है ना, ये आपकी विनिंग परसेंटेज में बहुत इजाफा करता है। आपको प्रॉफिट तो थोड़ा दिखाई देता है, आप कहते हैं अगर लाइक यही आपकी ट्रेडिंग जो स्ट्रेटजी है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1 to 2 आप रखना चाहते हैं या 1 to 3 आप रखना चाहते हैं, तो एक ही ट्रेड में आपको 50, 50, 100, 200 डॉलर तो मिल जाया करता है एज ए प्रॉफिट। बट जब इसमें होता क्या है, आपकी विनिंग परसेंटेज कम हो जाती है। बहुत कम ट्रेड्स होंगी जो 1 to 2 या 1 to 3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो से आपको प्रॉफिट देंगी। कई दफा क्या होता है वो 1 to 1.8 पर जाकर आपका आके स्टॉप लॉस हिट कर दिया करती है। तो आप जो 1 to 1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का प्रॉफिट गेन कर सकते थे, लेकिन आपने अपने जेन में 1 to 2 बिठाया हुआ था, वो 1 to 8 से जब नीचे स्टॉप लॉस पे गई तो आपने 1 to 1.5 वाला प्रॉफिट लूज कर दिया। आप स्क्रीन पे नहीं थे, आप नहीं बैठे हुए थे, ट्रेड 1 to 1.8 तक गई और आके नीचे आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, 0.2% से उसने आपका टीपी हिट नहीं किया। तो जितना बड़ा प्रॉफिट आप अपने लिए रखेंगे उतनी विनिंग परसेंटेज आपकी कम हो जाएगी। आपको रियलिस्टिक रहना है, ऐसा नहीं होगा कि इस मार्केट से आप $1000 लगा के महीने का $1000 एक्सपेक्ट करें। रियलिस्टिक होके सोचना है आपने, ठीक है। तो 1 to 1.4 या 1 to 1.5 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ आपने अपनी ट्रेड लगानी है। तो आपने ये भी सीख लिया जो आप लोगों का मेजर क्वेश्चन था कि हमें कितना टीपी रखना चाहिए अपनी ट्रेड का, तो सिंपली उसका आंसर है कि आपको अपनी ट्रेड का 1 to 1.4 या 1 to 1.5 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ अपना टीपी लेना चाहिए। और जब कभी प्राइस ने आपका 1 to 1.5 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अचीव कर दिया, आप वहां पर पूरी ट्रेड क्लोज ना करें। अगर आपको भरोसा है कि ये मजीद ऊपर जा सकती है, 1 to 1.5 पे आप 50% अपनी ट्रेड क्लोज करें और 50% का लिए ट्रेड को ओपन छोड़ दें और अपना स्टॉप लॉस 1 to 1.5 का नीचे आप अपना स्टॉप लॉस जाके रख दें कि अगर मार्केट ऊपर जाकर रिवर्स भी करती है तो जो रिमेनिंग 50% मेरी ट्रेड रह गई है वो भी 1.5 पे क्लोज हो जाए, नीचे जाके जीरो पे ना जाए। इसके अलावा स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट तो आपने देख लिया 1 to 1.4 या 1 to 1.5 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ आपको टेक प्रॉफिट लगाना चाहिए। जो स्टॉप लॉस है वो आप किस तरह लगाते हैं, देखें स्टॉप लॉस लगाने के लिए
मैं मेरा फेवरेट जो तरीकाकार है, मैं ATR एवरेज ट्रू रेंज इंडिकेटर यूज किया करता हूं। ठीक है, एवरेज ट्रू रेंज इंडिकेटर जो है वो आपको मार्केट की एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। वो आपको ये बताता है कि प्रीवियस 14 कैंडल्स ने कितनी हाई या लो मूवमेंट की है। ठीक है, वो उनका मीन निकालता है और मीन निकाल के वो आपको एक फिगर दे देता है। सपोज ये कैंडल 4 पिप मूव हुई है, ये 6 पिप मूव हुई है, ये 5 पिप मूव हुई है, वो इन तीनों का जमा करेगा, डिवाइडेड बाय 3 करेगा, 3 करके अब जो भी बनता है, 6 5 11 4 15 डिवाइडेड बाय 3, तो मीन निकल आया 5। ठीक है, तो वो कहेगा कि जनाब जो एवरेज मूवमेंट चल रही है पर कैंडल वो 5 है, 5 पिप्स है, तो आप अपना स्टॉप लॉस क्या करेंगे जिस कैंडल ने आपको एंट्री रीजन प्रोवाइड की है। सपोज आपको ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का एक कैंडलस्टिक पैटर्न मिला है ना, ये बुलिश, तो आपकी एंट्री रीजन कैंडल कौन सी है? ग्रीन कैंडल। इसी को देखने के बाद आपने अपनी ट्रेड यहां से बाय लगाई है ना, तो इस ग्रीन कैंडल के ऊपर आप माउस को जाके होवर करेंगे तो ATR आपको जो वैल्यू दिखा रहा होगा वो आपने इस लोएस्ट पॉइंट से, इस ग्रीन कैंडल के लोएस्ट पॉइंट से जो ATR की वैल्यू सपोज 5, तो 5 पिप नीचे रख के आपने यहां पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देना है। ठीक है, अभी हम चार्ट पर इसको जाकर देखते भी हैं, लेकिन उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात अच्छे से समझ आ गई है। लेट्स क्विकली गो टू चार्ट और मैं आप लोगों को यहां पर ये दिखा भी दूं। ATR इंडिकेटर मैं लगाता हूं जी, किधर गया एवरेज ट्रू रेंज और ATR इंडिकेटर में आप ये देखें, अभी हमने यहां पर DJPY में हमने अपने लिए एक डबल बॉटम यहाँ पे पिछले लेक्चर में फाइंड किया था। सपोज करते हैं यही हमारा डबल बॉटम है। ठीक है, ये देखें ये हमारा डबल बॉटम ने मिल गया हमें, डबल बॉटम हमें मिल गया। हम यहां पर हमने क्या कहा, हमें जैसे ये ग्रीन कैंडल डबल बॉटम में दिखाई देती है हम अपनी बाय एंट्री लगा लेते हैं। डबल बॉटम या डबल टॉप की सूरत में, पहले हम डबल बॉटम की बात करते हैं, मैंने कहा था जो लोएस्ट वीक होगी दोनों बॉटम्स में से, इस केस में हमारी पहले बॉटम की वीक जो है वो ज्यादा नीचे है। ये देखें ये वीक लो है, सेकेंड बॉटम की वीक तो हाई है। ठीक है, तो इस वीक से नीचे हमने अपना स्टॉप लॉस रखना है, तो हमारी एंट्री रीजन कौन सी कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है ना, इस ग्रीन कैंडल को देखने के बाद हमने अपनी एंट्री प्लान की है, ऐसा ही है ना। तो हम क्या करेंगे, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर माउस होवर करेंगे। आप लोगों ने यहां नीचे देखना है, ये देखें इस जगह पे जहां पर मेरा माउस है, यहां पर आपने देखना है ATR क्या वैल्यू दे रहा है। ATR वैल्यू दे रहा है 398, मतलब 39.8 पिप्स। आप इसको 40 पिप्स कर सकते हैं। ठीक है, तो 40 पिप्स कहां से, इस पॉइंट से नीचे। अब यहां पर मेरा ये 126.60 बनता है, इससे 40 पिप्स नीचे करूंगा तो 127.20 बन जाएगा। 127.20 मेरा स्टॉप लॉस, मैंने यहां स्टॉप लॉस रख दिया। 1:1.4 मैंने आपको बोला, या 1:1.5 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ आपने ये ट्रेड लगा ली। आप यकीन करें कि ये जो ATR इंडिकेटर है ये ओवर 95% मेरा स्टॉप लॉस हिट होने से मुझे बचाता है। आप देख रहे हैं कि मेरा स्टॉप लॉस कितना नीचे है, मार्केट अगर वेरिएशन करते हुए कोई मैनिपुलेशन करते हुए नीचे आएगी भी तो 40 पिप्स नीचे मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो इसके हिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ATR इंडिकेटर जो है वो आपको आपके स्टॉप आउट होने से महफूज रखता है। तो टेक प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया, आपने 1:1.5 या 1:1.4 रखना है, और जो आपका स्टॉप लॉस है जिस कैंडल ने आपको एंट्री रीजन प्रोवाइड की है उसके ऊपर जब आप माउस रखते हैं
तो आपको यहां पर एटीआर की जो वैल्यू नजर आ रही होती है उसके बॉटम से नीचे डबल टॉप की सूरत में, तो जो लोएस्ट वीक है उससे अगर यहां पर हम यहां पर सेल एंट्री प्लान कर रहे होते, यहां पर अगर हम सेल एंट्री प्लान कर रहे होते हैं तो हमारी हाईएस्ट पॉइंट ये रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल से ऊपर ये ग्रीन हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, तो हम इस ग्रीन कैंडल से भी ऊपर जाकर हमें एंट्री रीजन इस कैंडल ने दी रेड कैंडल ने, तो हमारा जो नीचे आप यहां पर देखिएगा जो हमारा एटीआर है 52.4 पिप्स है, तो हमने इस ग्रीन कैंडल से 52 पिप्स ऊपर, आप राइट साइड पे हमारी ये वैल्यू देख सकते हैं 58 है 131.58, तो ये 52 पिप ऊपर करेंगे तो 132.10 बन जाएगा, 132.10 मैंने इसको किया, ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस है 1:1.4 मैंने या 1:1.5 मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ अपनी ट्रेड लगाई और मेरा टीपी हिट हो गया, ठीक है। तो ये एटीआर आपको बहुत ज्यादा अननेसेसरी मार्केट मैनिपुलेशन के स्टॉप लॉसेस हिट होने से महफूज रखता है, बहुत आउटस्टैंडिंग इंडिकेटर है, मैं अपनी ट्रेडिंग के लिए इसको जरूर इस्तेमाल किया करता हूं और मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी इसको जरूर इस्तेमाल किया करें, ठीक है। अब हम वापिस चलते हैं अपने प्राइस एक्शन ई बुक की तरफ, यहां पर जाकर हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट कौन सी स्लाइड है, हमने अब क्या पढ़ना है, लेट मी क्लियर ऑल दिस। नेक्स्ट स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से एक बात की थी कि यार अगर आपको ये लगता है कि आप यहां से ट्रेड में बैठ गए हैं, ये आपको प्रीवियस हायर के पास से कोई ट्रेड मिल गई, आप ट्रेड में बैठ गए हैं, आपका पहला टीपी 1:1.4 यहां तक है, लेकिन आपको पता है कि रेजिस्टेंस लेवल यहां पर है, आप 1:1.4 पर अपनी 50% ट्रेड बुक कर लें और जब प्राइस अपनी बाकी 50% ट्रेड को आप ओपन छोड़ दें। और यहां पर आपने ट्रेड कैसे मैनेज करनी होती है, जब आपने यहां पर अपना 50% टीपी ले लिया और प्राइस ने पुल बैक लेके इस हाई को ब्रेक करके नया हाई बना दिया, आप अपना स्टॉप लॉस मूव करके इसके नीचे ले आएंगे, फिर ये हाई ब्रेक करके प्राइस नया हाई बनाएगी, स्टॉप लॉस मूव करके इसके नीचे ले आएंगे, ये हाई ब्रेक करके प्राइस नया हाई बनाएगी, स्टॉप लॉस इस स्ट्रक्चर के नीचे ले आएंगे, फिर प्राइस नया हाई बनाते हुए आपके टीपी तक, फाइनल टीपी तक चली जाएगी, तो आप अपनी टोटल ट्रेड क्लोज कर लेंगे। तो ट्रेड मैनेजमेंट में आपने इस तरह से करना होता है कि 1:1.4 या 1:1.5 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ जब आप अपनी ट्रेड लगाते हैं 50%, अगर आपको ये यकीन होता है कि प्राइस मजीद ऊपर जाएगी अप ट्रेंड की सूरत में, तो आप अपनी बकाया 50% ट्रेड को इस तरह से मैनेज करते हैं कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं उन स्ट्रक्चर्स के नीचे अपने स्टॉप लॉसेस को मूव करते चले जाते हैं और ट्रेड को ओपन छोड़ के आप अपने जो फाइनल टीपी तक है उसका इंतजार कर सकते हैं। और बिल्कुल अपोजिट इज द ट्रू फॉर डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में भी आपने इसी तरह करना है कि प्राइस जो है वो देखें, आपको कोई सेल ट्रेड मिल गई है यहां से और आपने सेल ट्रेड लगाई, ये 1:1.4 आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, ये आपका फाइनल टीपी, आप समझते हैं प्राइस यहां तक चली जाएगी, तो आपने क्या करना है, हर बनने वाले इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर आपने अपना टेक प्रॉफिट मूव करते रहना, जब जब प्राइस आपका लो ब्रेक करके नीचे जाती रहे आप अपने लोअर हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस मूव करते रहें, उस वक्त तक जब तक कि आपका जो डिजायर्ड टेक प्रॉफिट एरिया है वहां तक प्राइस चली नहीं जाती। ये ट्रेड मैनेजमेंट का बड़ा ही आसान तरीका है और बड़ा ही काबिले एतमाद तरीका है, अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करके ग्रिप हासिल करेंगे तो यकीनन आपको इससे काफी फायदा होने वाला है। रिस्क मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, जो आज के लेक्चर का हमारा फाइनल टॉपिक है। देखें, हमें अक्सर ये पता नहीं होता
कि हमारे अकाउंट की इक्विटी कितनी है और हमें कितनी बड़ी लॉट साइज लेनी चाहिए। हमने बेसिक में लॉट साइजेस के बारे में पढ़ा था, जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने लॉट साइजेस के बारे में पढ़ा था, लेवरेज के बारे में पढ़ा था, और मैंने आपको तब बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि लेवरेज का बेहतरीन इस्तेमाल क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि देखें, अगर आपकी $1,000 की अकाउंट की इक्विटी है, ठीक है, और लेवरेज आपके पास 1,000 है, तो इसका मतलब है कि आपको जो बाइंग पावर आपके ब्रोकर ने दी है वो $1,000,000 की बाइंग पावर उसने आपको दे दी है। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आपने एक ही गोल्ड की ट्रेड जो है वो 10 स्टैंडर्ड लॉट्स के साथ ओपन कर ली है, ऐसा नहीं करना। लेवरेज का ये मतलब होता है हमेशा अपना पोर्टफोलियो आपने डिवाइड करना है। लेवरेज का ये मतलब होता है कि आपने कम से कम 4 या 5 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में, डिफरेंट करेंसी पेयर्स में आपने अपनी ट्रेड को डिवाइड करना है, ठीक है। अगर क्यों क्यों डिवाइड करना है कि सपोज आपका एनालिसिस इस ट्रेड में खराब हो गया, लॉस हो गया, इसमें खराब हो गया, लॉस हो गया, इसमें खराब हो गया, लॉस हो गया, हो सकता है इस एक ट्रेड में आपका एनालिसिस काम कर जाए, आपको प्रॉफिट मिल जाए, तो कम अज कम आपके लॉस में कमी आएगी, बजाय इसके कि आपने एक ही गोल्ड की ट्रेड में 10 लॉटें ओपन कर ली। आप खुद बताएं कि ये ज्यादा वाइज डिसीजन है कि ये ज्यादा वाइज डिसीजन है कि आप अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करके 4 या 5 मुख्तलिफ करेंसी पेयर्स में या मुख्तलिफ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स में आप लोग उसको डिवाइड करके और अपनी इक्विटी को यूज करें। अच्छा, इक्विटी को यूज तो करें, लेकिन कितनी इक्विटी को यूज करें। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि देखें, किताबों में जो बात लिखी हुई है, जो सीनियर्स ने, जो प्रो ट्रेडर्स ने अपने हार्ड अर्न्ड मनी को जाया करने के बाद जो बातें सीखी हैं, उनके मुताबिक आपको अपनी इक्विटी का 30% से ज्यादा लूज नहीं करना चाहिए। आपकी इक्विटी कितनी है? $1,000। तो $1,000 का जो 30% बनेगा वो $300 बनेगा। तो किसी सूरत भी आपको अपने अकाउंट का $300 से ज्यादा एट ए टाइम $300 से ज्यादा आपको ना तो ड्रॉ डाउन करना चाहिए ना लूज करना चाहिए। अगर आपने $300 में से $300 अगर आपने लूज कर लिए, तो इसका मतलब है आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही। आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर या आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल पर काम करने की जरूरत है, इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अब $300 मैं ज्यादा से ज्यादा लूज कर सकता हूं, क्यों? अगर $300 लूज कर लिए तो मतलब मुझे $700 सेव करना है और अपनी स्किल्स को मजीद इंप्रूव करना है, क्योंकि मैंने $300 क्यों लूज किया यार। मैंने अगर $300 लूज कर दिया तो इसका मतलब है मेरे जो नॉलेज है वो सफिशिएंट नहीं है, मुझे मजीद सीखने की जरूरत है। $300 अब आपके पास लूज करने के लिए, आप ये समझें कि $1,000 का अकाउंट नहीं है, $300 का अकाउंट है। तो $300 में से आपने 1% या मैक्सिमम 2%, ये बिल्कुल भी एडवाइसेबल नहीं है, 0.5 से लेके 1% तक आप अपनी एक ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं रख सकते। तो $300 का जो 1% बनेगा, आप अच्छी तरह जानते हैं, वो $3 बनेगा। तो एक ट्रेड में आप, हालांकि आपका अकाउंट साइज जो है वो $1,000 है, बट एक ट्रेड में आप $3 से ज्यादा स्टॉप लॉस के लिए अमाउंट मखसूस नहीं कर सकते। तो अगर आपने $3 से ज्यादा स्टॉप लॉस के लिए अमाउंट मखसूस नहीं करनी, तो आप लोगों को 0.01 लॉट वाली का पता है, जो कि माइक्रो लॉट होती है, उसमें अगर आपने एक माइक्रो लॉट से ट्रेड ओपन किया यूरो यूएसडी में, तो 0.01 आपको ट्रेड ओपन करनी पड़ेगी। एक पिप मूवमेंट पे यहां पर आपको 0.10 प्रॉफिट या लॉस होता है।
अगर आपका स्टॉप लॉस 30 पिप्स है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास $3 आंसर आएगा, ठीक है। यानी आप एक माइक्रो लॉट से ज्यादा बड़ी ट्रेड ओपन कर ही नहीं सकते अपने अकाउंट में अगर आपका स्टॉप लॉस 30 पिप्स है। अगर आपका स्टॉप लॉस 30 पिप है तो आप 0.01 से बड़ी लॉट साइज में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट है। क्यों? क्योंकि इस तरह से आपके पास कम से कम 100 ट्रेड्स हैं, कम से कम 100 ट्रेड्स हैं आपके पास लूज करने के लिए अपना अकाउंट वॉश करने से पहले, ठीक है। बीइंग ए बिगिनर आप 0.5 या 1% से ज्यादा स्टॉप लॉस के लिए अपनी इक्विटी में से मखसूस ना करें। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, यानी आपका अकाउंट, यार आप सपोज करते हैं आपने यहां पर 0.10 से ट्रेड ले ली जिसके एक पिप पर $1 प्रॉफिट या लॉस होता है, 30 पिप्स आपका स्टॉप लॉस है। आप देखें $30 आपने एक ट्रेड में लूज कर दिया, हम थोड़ी देर के लिए फर्ज कर रहे हैं आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो टोटल जो आप लूज कर सकते हैं अमाउंट वो तो $300 है। यानी आपने अपने आप को सिर्फ 10 ट्रेड्स का मार्जिन दिया, तो सिर्फ 10 ट्रेड्स अगर आपकी लॉस में चली गई आपका अकाउंट वॉश हो गया। एक एक ट्रेड अगर आपको लॉस करेगी आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है वो हाई होता रहेगा, कॉन्फिडेंस लूज होता रहेगा। लेकिन अगर आप $300 में से $3 लूज करेंगे और आपको ये पता है कि अभी भी मेरे पास 99 चांसेस हैं कि मैं अपनी गलतियों से सीखूं और प्रॉफिट कमाने की कोशिश करूं, तो आप यकीन करें कि यही वो वाहिद ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, यही वो वाहिद रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है जो आपका अकाउंट कभी वॉश नहीं होने देगी। अगर आप 0.5 से लेकर 1% के दरमियान आप अगर अपना स्टॉप लॉस के लिए मखसूस करते हैं एक सिंगल ट्रेड में, तो आपका अकाउंट मैं यकीन से कह सकता हूं कभी वॉश नहीं होगा। क्योंकि ये हो ही नहीं सकता ना यार कि आप 100 ट्रेड जो लगाएं सारी की सारी लॉस में चली जाएं, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, 100 की 100 ट्रेड्स आपकी लॉस में नहीं जा सकती। तो आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है कि आप अपनी गलतियों से सीखें, उनको रेक्टिफाई करें, अपनी स्ट्रेटजी को फाइन ट्यून करें, और $3 इतनी छोटी अमाउंट है कि वो आपको साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट भी नहीं करेगी, कोई फियर फैक्टर भी नहीं आएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं लूज होगा, और इवेंचुअली आप अपनी आपको फाइन ट्यून करते करते एक कामयाब ट्रेडर बन ही जाएंगे। और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल माशाल्लाह इतना बढ़ चुका होगा तो तब आप एक की बजाय 2% रिस्क टू रिवॉर्ड, 3%, 4%, 5%, वो फिर आप पे डिपेंड करता है, लेकिन दिस इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। जिंदगी के किसी भी मोड़ पे आपको 2% से ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ कभी भी कोई ट्रेड ओपन नहीं करनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैक्सिमम 6% आप अपनी लूजेबल इक्विटी का, जो कि $300 है, इसका 6% कितना पड़ेगा? $18। $18 से ज्यादा आप एट ए टाइम मार्केट में स्टेक पर नहीं लगा सकते। यानी इसका मतलब हुआ कि आप $3-$3 स्टॉप लॉस की 6 साइमल्टेनियस ट्रेड्स आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। $3-$3 स्टॉप लॉस की 6 साइमल्टेनियस ट्रेड्स आप ओपन कर सकते हैं। एक यूरो यूएसडी में कर ली, एक जीबीपी यूएसडी में कर ली, कोई गोल्ड में कर ली, एनजेडी यूएसडी में कर ली, यूएसडी कैड में, यानी 6 ट्रेड्स आप एट ए टाइम ओपन कर सकते हैं अपने अकाउंट का लूजेबल इक्विटी का 6% से ज्यादा आपने एट ए टाइम स्टेक पे नहीं लगाना, कभी भी नहीं लगाना एट ए सिंगल टाइम, ठीक है। अगर 6 ट्रेड्स में से आपकी कोई 1-2 ट्रेड्स क्लोज हो जाती हैं स्टॉप या टेक प्रॉफिट हिट करते हुए,
तो आप फिर दोबारा एक दो ट्रेड से लगा सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम आपने 6% से ज्यादा अपनी इक्विटी का, लूजेबल इक्विटी का स्टेक पर नहीं लगाना। आप यकीन करें इस रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे अगर आप काम करेंगे तो मैं पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ आपको ये कह सकता हूं कि आपका अकाउंट इंशाल्लाह वॉश कभी नहीं होगा। देखिए बीइंग ए बिगिनर आपने जिस चीज पे फोकस करना है ना, वो दो ही बातें हैं, वो ये मैं अपने कैपिटल को प्रिजर्व रखना चाहता हूं, मेरा कैपिटल ना, मुझे अगर प्रॉफिट कम हो रहा है ना तो ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन मैं अपने कैपिटल को कम नहीं कर सकता। अगर आपके ये दोनों टारगेट रहेंगे ना, देखें जब एक ट्रेड आप थोड़ी हाई वॉल्यूम के साथ लगा लेते हैं उसमें एकदम $50 आते हैं, दिल को बड़ी खुशी होती है, लेकिन जब $20 लॉस होते हैं ना तो वो खुशी से 100 गुना ज्यादा डिजास्टर होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जमीन के साथ लग जाएगा जाके। इसीलिए आपने बीइंग ए बिगिनर आपने ये करना है कि आपने अपने विनिंग ट्रेड्स की परसेंटेज तो बढ़ाने की कोशिश करनी है, लेकिन साथ ही साथ अपने कैपिटल को भी प्रिजर्व करना है। यकीन करें कि डेली ट्रेड करना जो है ना वो बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी ट्रेड करें वो एक क्वालिटी ट्रेड होनी चाहिए। अगर आपको आपका ट्रेडिंग सेटअप अलाउ नहीं कर रहा कि यहां पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपके सारे दोस्तों ने ट्रेड्स लगा रखी हैं, आप ना लगाएं, क्योंकि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको अलाउ ही नहीं कर रही कि यहां पर मैं बाय करूं या सेल करूं। बी पेशेंट, सब्र करें, बर्दाश्त करें। पूरे महीने में आपको 6 ट्रेड्स भी मिले और वो आपके ट्रेडिंग सेटअप पे पूरी तरह से क्वालिफाई करती हैं, 6 में से आपने 3 विन कर ली, 4 विन कर ली, 5 विन कर ली, या 6 की 6 विन कर ली, तो आप यकीन करें 100% विनिंग परसेंटेज आपकी बनेगी, आपका कॉन्फिडेंस कभी लूज ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप दिन में 6 ट्रेड्स लगाएंगे और उनकी क्वालिटी 0, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहां जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए क्वालिटी पे फोकस करें, क्वांटिटी पे फोकस ना करें, कैपिटल प्रिजर्व करने पर फोकस करें, कैपिटल बचाने पर फोकस करें, अपने अकाउंट का बैलेंस बचाने पर फोकस करें। शुरू में प्रॉफिट पे फोकस ना करें, ठीक है। डेमो ट्रेडिंग आप लोगों ने नहीं करनी, $100 का, $50 का, सीखने के लिए भी $100 का या $50 का लाइव अकाउंट आपने खोलना है। क्यों? डेमो पे जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं ना तो इसमें सबसे बड़ा जो एक फैक्टर मिस हो जाता है, आपकी स्ट्रेटजी वगैरह तो हर चीज आप कर लेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर डेमो ट्रेडिंग में मिस हो जाता है ना एक ट्रेडर के लिए, वो है साइकोलॉजी। डेमो ट्रेडिंग में आपकी साइकोलॉजी इन्वॉल्व ही नहीं होती, आप इमोशनली अपनी ट्रेड के साथ अटैच ही नहीं होते। लाइव ट्रेडिंग करें, इसी रिस्क मैनेजमेंट के साथ लाइव ट्रेडिंग करें, डेमो अकाउंट में ट्रेड करें, तो लाइव अकाउंट में ट्रेड करें, इसी रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें। और इनिशियली 6 माह तो आपने ये सोचना है कि यार मैं सीख रहा हूं। वो होता है ना कि आपने किताबें पढ़ी हैं, अब आप किसी कॉलेज में जाके वो क्या करते हैं यार, चलें जो भी एक वो करते हैं ना 2-3 माह का एक यार वो मेरे जेहन में चले नाम ही नहीं आ रहा, तो वो आप समझे कि आप वो 2-3 माह के उस फेज से गुजर रहे हैं। अब आपने एक यूनिवर्सिटी में, एक कॉलेज में, एक इदारे में आपने ट्रेनिंग ले ली है रियाज साहब से, कैंपस अकेडमी में, अब आपने 5 से 6 माह प्रैक्टिस करनी है। आप उन 5 से 6 माह को ये ना सोचें कि ये 5 से 6 माह जो हैं मुझे इनमें भी कमाना है, नहीं, इनमें कमाना नहीं है, इनमें आपने 2 काम करने हैं, क्वालिटी सेटअप्स ढूंढने हैं और कैपिटल बचाने की कोशिश करनी है। इन 2 कामों के साथ आपने अगले 6 माह गुजारने हैं। कोशिश करनी है कि आपके जो कैपिटल है वो आपको बार बार ना डालना पड़े, ठीक है। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर से जिंदगी में बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी। ये बार बार आप देखते रहिएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो तो जूम मीटिंग के लिए उसे नोट कर लें, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देने की कोशिश करूंगा और आपकी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।